दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। घने कोहरे के चलते जहां उड़ानें और रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है, तो वहीं धौलाकुआं, सोनीपत समेत कई जगहों पर हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली NCR में कोहरे के साथ साथ तापमान में भी गिरावट देखी गई। तापमान 29.2 से लुढ़क कर 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से दिल्ली नोएडा और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर यातायात काफी धीमा नजर आया। इसके अलावा दिल्ली आने वाले कई विमानों ने देरी से उड़ान भरी, तो वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 5 विमानों का मार्ग बदला गया। इसके साथ ही धुंध की वजह से पटना, रांची, हावड़ा, भुवनेश्वर और अन्य जगहों से दिल्ली आने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुईं। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के तमाम इलाके कोहरे की चपेट में रहे। वहीं धुंध के चलते कई जगहों पर कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरा बढ़ता जाएगा। देखते रहिए DB Live।